बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर वक्फ बोर्ड आबिद हुसैन खान ने दिवसर कुलगाम में एक मोटर बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। ये रैली जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा बोनीगाम से शुरू हुई और दिवसर कुलगाम में इख्तिताम पजीर हुई। हर घर को तिरंगा नजर आएगा, नामा निगारों से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर ने कौमी परचम के तईन मोहब्बत और एहतराम का इजहार करने के लिए मोटर बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया और ये शुरुआत है और हम 15 अगस्त से कबल इस तरह की मजीद रैलियां मुनक्कद कर रहे हैं। कश्मीर के लोग सिर्फ इस तिरंगा रैली का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि तिरंगा के साथ सेल्फी लेंगे। बाइक रैली कौमी शहरा बोनीगाम स्टॉप से शुरू हुई और जिले के कई देहातों और दीगर इलाकों से गुजरी। हम बहस कौम इस झंडे को बहुत इज्जत और एहतराम का मुजाहरा करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2027 तक हिंदुस्तान को एक खुद अंसार मुल्क बनाने का ख्वाब पूरा हुआ है। हम आपको बताएं कि इस प्रोग्राम में सहपबारी कश्मीर रफीक वानी और जिला सदर कुलगाम जुबैर अहमद के अलावा कई लीडरान तिरंगा रैली होना ये पीस प्रोग्रेस डेवलपमेंट की निशानी है। आज जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं आजादी, आजादी चाहते हैं कि नेशनल के धोखे और फ्रेम से, आजादी चाहते हैं कांग्रेस की बेईमानी से, पीठ पे छुरा भोंकने का। यहाँ के नौजवान आजादी चाहते हैं पीडीपी की बैकडोर एंट्री से। आज युवाओं ने ठान लिया हमें यहाँ पाकिस्तानी नामक और सब झंडे की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है इस तिरंगे की, अगर जरूरत है बीजेपी सरकार की, तो आज ये पैगाम दे रहे हैं हम दूसरे सरकार के कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी हर सत्ता पे आगे बढ़ेगी। नेशनल के दो कैंडिडेट उसे 370 वापस आने वाला नहीं है। जो भी डिसीजन होगा यहाँ को स्टेट फिर को रेस्टोर करने की अगर बात है, बीजेपी के सरकार के बगैर किसी के मैंडेट नहीं है। अगर कैजुअल लेबर रहना है, सबको रेगुलराइज करना है तो बीजेपी कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं आज तिरंगा रैली में तमाम ताकतों से और बिलखसूस यहां के युवा उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बीजेपी को जिताए, सब मसले मसाइल हल होंगे।